बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसी तरीके से जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा में बढ़ती है, ये आज तक का शुरू से यही चल रहा है। कांग्रेस के साथ वही बनेगी जो पीछे दो प्रहनों से बनती आ रही है, तो दावेदार यहाँ कौन? कांग्रेस के तो यहाँ आपस में फूट फूट कर करके अलग अलग प्रत्याशी भी देखो आपके सामने कांग्रेस की पार्टिंग के कारण अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आपको जानकारी होगी कि नरेश डांडा भी वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगता था, तो वो रणदीप गुट का था और ये हुड्डा गुट का, और इनके आपस में अभी चुनाव लड़ रहे हैं। जो क्या कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने का काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की कमियां हराने का काम करेगी, कांग्रेस की झूठ इनको हराने का काम करेगी। जो इन्होंने लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला वो लोगों के सामने आ गया और लोगों अब इनकी बात पे लोग एतबार नहीं करते, क्योंकि पिछले अभी लोकसभा भी कुछ ही टाइम हुआ चुनाव, ज्यादा समय होता तो शायद लोग भूल जाते। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर मोदी जी बन गए तो वो संविधान बदल देंगे, भी आपके खातों में हम पैसे ठका ठक ठका डाल देंगे, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बहुत से अनेकों सैकड़ों झूठ बोले, लेकिन वो लोग सब जानने लगे कि कांग्रेस अब फड़फड़ा रही है और वो सारी पार्टियों के साथ मिलके बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही थी, झूठ का भी सहारा ले रही थी, लेकिन अब वो नंगी हो चुकी है। देखिए फायदा नफा नुकसान तो जनता बताती है कि किसके दिल में, मैं बिरादरी की बात कभी भी नहीं करता, जाति की बात जातिवाद की बात नहीं करता। और वोट बैंक तो ठीक है, वो अपनी जगह अगर वो चुनाव लड़ते तो ठीक है, फिर वो कांग्रेस के तीन हो जाते, तो अभी वो नहीं लड़ रहे, दो लड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, एकता से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी नीति अच्छी है और हमारे विकास के नाम पर हम वोट लेंगे, क्योंकि नायब सैनी जी ने 56 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री रहे और मोदी जी ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो नायब सैनी जी ने 56 दिन के अंदर 126 योजनाएं बनाई और फिर भी लोगों को मिलते भी रहे। आज आप 2 बजे भी रात को जाओगे तो मुख्यमंत्री निवास पे वो मिलता है, देखो कितना लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा मुख्यमंत्री मेरे ख्याल में आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। आम आदमी पार्टी वाले जिनके खुद के नेता जेलों में पड़े हैं वो कहते हैं हम हरियाणा को अच्छा वातावरण देंगे, ये दुनिया लोग सब जानते हैं। पहले नेता लोग जनता को बुद्धू बनाया करते थे, अब ये जनता नेता जनता है ना जो ये नेताओं को बुद्धू बना देती है, जनता इतनी समझदार है क्योंकि उनको सब पता है। क्या रिजल्ट मिला बताइए, अब आपने पीछे देखा ही है, इसीलिए कोई खास बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मुझे विश्वास है, और 2014 की तरह 2024 में गुला चीके से विधायक आपका बनेगा जी। जहां भी जाता हूं लोग इतना प्यार देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लोगों को प्यार दिया, जो भी लोग मेरे पास मिलने के लिए आते रहे तो उन लोगों का मैंने मान सम्मान किया, उन लोगों की इज्जत की, उनकी सुनाई की और उनका जो भी काम आते थे उनका विकास करने की मैंने कोशिश किया, फोन करने की कोशिश किया, उनकी जो भी बात है वो मैंने अफसरों पे मुलाजिमों पे चाहे मंत्रियों पे चाहे सीएम साहब के पास रखी है, तो वो लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि अगर हमारी कोई सुनता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। लोगों ने मन बना लिया है, ये तो लोग पोस्टर भी लगाते हैं कि फिर वही जो है सही। पूरे हरियाणा में इकलौते आप ऐसे विधायक थे जिन्होंने दलितों की बैकवर्ड की आवाज़ विधानसभा में उठाई थी, अब की बार क्या प्लान है, किस तरह से इन लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए आज तक जो भी विधायक रहे हैं, ये आपकी बात सत्य है, वो बड़े बड़े चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे कोई जिम्मेदारों की बात हो, चाहे किसी की बात हो, वो सभी उठानी जरूरी है, लेकिन उन्हीं में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है रोटी और कपड़ा मकान के लिए गरीब आदमी बेचारे आज भी दबे कुलचे रहे हैं। मैंने आवाज़ जो उठाई, चाहे वो बाजीगर है, बंजारा है, बागड़ी है, लोहार है, सिकलीगर है, डया है, डूम है, ये नट है, भांड है, ये जोगी है, जिस तरीके से ये कितनी जातियां हैं, तो ये सारी कम से कम 35-40 जातियां हैं, इनकी आवाज़ मैंने दिल से उठाई और मुझे बड़ा सुकून मिलता है इनकी बात करके। और मैं झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूँ और जो इनकी ज़रूरतें होती है वो करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ इनका आशीर्वाद भी मिलता है लेकिन ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है अगर किसी गरीब की मदद करें। देखिए वो पार्टी के ऊपर से निर्णय होता है कि जनता जिसको चाहती है, नीचे से वो ग्राउंड लेवल से आवाज़ देखते हैं
जिसको चाहती है वो आते हैं। तो अभी देखो कौन कौन आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, 21 तारीख को सुबह 10 बजे शिविर में पहुंचेंगे और वो यहाँ एक जनसभा करेंगे और उसके बाद आगे और भी हो सकते हैं। हाँ, 21 तारीख को माननीय नायब सैनी जी 10 बजे शिविर में पहुंचेंगे।